हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर, मैं हूं आपका दोस्त मोनू। चलिए खोलते हैं मिस्टीरियस संडे का बेहद ही खास एपिसोड, जहां पर आज हम चर्चा करेंगे मीरमेड के बारे में। सोशल मीडिया पर आए दिन कई ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे जलपरी होने का दावा और भी पुख्ता हो जाता है। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मिस्टीरियस संडे के एपिसोड में जलपरी के बारे में बताइए, तो हमने सोचा क्यों नहीं आज मिस्टीरियस संडे के इस एपिसोड में हम आपको बताते हैं जलपरी के वे रहस्य, साथ ही कुछ ऐसे लाइव फुटेज भी आपको दिखाते हैं जो आपको यह सोचने में मजबूर कर देंगे कि जलपरियां होती हैं। तो देर किस बात की, चलिए खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को। लोगों के कैमरे में कुछ ऐसा कैद हो गया जो जलपरी होने का दावा करता है, यानी उनके कैमरे में असली जलपरी जैसा कोई जीव कैद हो गया। यह फुटेज गोताखोर के वाटर कैमरे का फुटेज है दोस्तों, और इस पे आपको जलपरी जैसा एक जीव तैरता हुआ दिखाई देगा। यह वीडियो आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है इंटरनेट पर। इस पर एक साथ बहुत सारा जलपरियों का झुंड तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि ड्रोन कैमरे से इस फुटेज को लिया गया है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक जहाज भी दिखाई देगा। एक जहाज पर कुछ लोग इसके इर्द गिर्द घूमते हुए भी हैं। तो क्या यह वीडियो सच है? क्या यह वीडियो बनाने वाले ने इतने सारे जलपरियों को देखा था? चलिए इसे थोड़ा स्लो मोशन करके देखते हैं, आखिर वह नीचे क्या तैर रहा है। हमारे हिसाब से जो नीचे तैर रहे हैं वह जलपरी नुमा कोई जीव हैं। आइए एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में दावा किया जाता है कि यह जलपरी का शव है। एक अन्य वीडियो भी आपको दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि जलपरी जैसे जीव भी समुद्र में होते हैं। यहाँ यह सफेद रंग के सूट पहने कुछ लोग जलपरी जैसा जीव ला रहे हैं। आखिर यह लोग कौन हैं? क्या यह कोई सरकार के आदमी हैं? क्या यह कोई गुप्त एजेंसी है? आखिर यह जीव को चुपचाप कैसे ले जा रहे हैं? इस वीडियो को बनाने वाला व्यक्ति कहीं दूर छिपकर यह वीडियो बना रहा था, जिस वजह से यह वीडियो उतना साफ नहीं आ पाया। पर तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि यह कोई समुद्र से ऐसा जीव पकड़ कर ले जा रहे हैं। अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने अपना पूरा शरीर ढका हुआ है ताकि उस रहस्यमयी जीव से इन्हें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो क्या ऐसे जीवों का वजूद होता है? क्या सरकार के अंदर ऐसे संस्थान और ऐसी एजेंसियां होती हैं जो ऐसे जीवों को गुप्त रखती हैं? आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में मीरमेड जैसा कोई जीव भी होता है? मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा दोस्तों। जल्द मिलते हैं अगले संडे को मिस्टीरियस संडे के एक नए रोचक और बेहद ही खास एपिसोड में इसी मिस्टीरियस बुक के चैनल पे। तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।